तो दोस्तों Redmi Note 8 Pro लॉन्च होने वाला है चाइना में 29 अगस्त को। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का ऑलमोस्ट हर एक स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुका है। जैसे कि दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक के Helio G90T का प्रोसेसर, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है और बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड का पहला 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सपोर्ट, जो कि होने वाला है सैमसंग के GW1 का सेंसर। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 5000 mAh की बैटरी। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में हर एक स्पेसिफिकेशन की, कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला है इसका प्राइसिंग और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की डिजाइन और डिस्प्ले से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का डिजाइन देखने को मिलने वाला बहुत ही बेहतरीन, जो कि आने वाला है ग्लास बैग के साथ। और दोस्तों ग्लास बैग में आपको देखने को मिलने वाला ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश का एक लुक। और उसके साथ ही दोस्तों बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है क्वाड कैमरा का सपोर्ट, जो कि आने वाला है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा के साथ, जो कि होने वाला है सैमसंग के GW1 का सेंसर, जिसकी काफी सारी पिक्स लीक हो चुकी है पहले से ही। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन पिक्चर्स देखने को मिलने वाला है। आप इस स्मार्टफोन से लो लाइट में भी बहुत अच्छे अच्छे फोटो ले सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 3 और कैमरा, जो कि होने वाला 13 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, जैसा कि रियलमी 5 प्रो में देखने को मिला था। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 6.39 इंच का एक फुल एचडी प्लस का स्क्रीन, जो कि आने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन छोटे से वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और दोस्तों इस स्मार्टफोन के वाटर ड्रॉप नॉच में आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के प्रोटेक्शन की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, जो कि आपके फोन को बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस बार आपको देखने को मिलने वाला है की तरफ से बहुत ही दमदार प्रोसेसर, जो कि होने वाला है मीडियाटेक के Helio G90T का प्रोसेसर। और दोस्तों ये एक गेमिंग प्रोसेसर है, तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बड़े बड़े गेम खेल पाएंगे। तो स्मार्टफोन में आपको पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट और एस्पायर जैसे गेम बहुत ही आराम तरीके से खेल पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला एक 18W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के फास्ट चार्जर की, तो आपको देखने को मिलने वाला है बॉक्स के अंदर ही। बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि आने वाला है MIUI 10 के साथ। और साथ ही में दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 2 RAM वेरियंट, 4GB RAM, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि आने वाला है बेस वेरियंट के साथ, जिसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाला है 14,000 से 15,000 rupees के करीबन। और इसका हायर वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाला है 16,000 to 17,000 rupees के करीबन। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को चाइना के अंदर 29 अगस्त को लॉन्च किया जाने वाला है। उसके बाद दोस्तों इस स्मार्टफोन को सितंबर के महीने में फर्स्ट या सेकंड वीक तक इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों क्या आप इस स्मार्टफोन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हैं? तो हमें कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस यही था स्मार्टफोन के बारे में कुछ कन्फर्म लीक्स, रूमर्स और स्पेसिफिकेशन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।